बिफोर स्टार्टिंग अवर ट्रेडिंग हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है. सो देर आर लिटिल बिट ऑफ फॉर्मेलिटीज इन टू इट. आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि मैं कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ है जो मुझे जाननी है. तो एक्चुअल ट्रेडिंग करने से पहले ये एक छोटा सा चैप्टर इसके बारे में है. ये चैप्टर अगर आप देख लोगे तो मार्केट में जो भी ब्रोकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर किया है. और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहले 15 दिन आपको पेपर ट्रेडिंग या मॉक ट्रेडिंग करनी है. और एक बार आपने पेपर में या मॉक ट्रेडिंग में पैसा कमा के दिखा दिया तो उसके बाद ही जाके आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है. बट ये 15 दिन में आप अपनी अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं. देन देयर इज वन क्वेश्चन, हाउ टू बाय अ शेयर. तो पहले आपको क्या करना है, आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है. ये ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है और एक डीमैट अकाउंट भी आता है. सो दिस इज अ ट्रिपल अकाउंट विच यू कैन से ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट. ये सब आपका स्टॉक ब्रोकर ओपन करता है. फिर वंस यू हैव दिस अकाउंट ओपन, आप क्या करते हैं, आप शेयर बाय करते हैं. ये शेयर बाय करने के लिए थ्रू योर ब्रोकर इट गोज टू एक्सचेंजेस विच इज़ BSE, NSE, अगर कमोडिटी करना है तो MCX और करेंसी करना है तो NCDX. सो देर आर मेनी अदर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस हु आर विलिंग टू बाय एंड सेल द शेयर्स. तो ये बेसिकली एक बाजार है जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है शेयर्स का. सो दोज आर विलिंग टू सेल एंड यू आर विलिंग टू बाय, तो वो आपको शेयर्स बेचते हैं, आप शेयर्स खरीद लेते हो. फिर ये जो शेयर्स है ये आपके अकाउंट में आ जाता है एंड इट गेट्स डिपॉजिटेड इन योर डीमैट अकाउंट. पैसा जमा करने के लिए जैसा बैंक अकाउंट रहता है वैसे ही शेयर जमा करने के लिए आपका डीमैट अकाउंट रहता है. इट इज एज सिंपल एज दैट. जब भी आपको शेयर्स बेचने हैं तो आप थ्रू आपके मोबाइल ऐप ये ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर बेच देते हैं. There are many investors, traders who wants to buy the shares. तो जब आप बेचते हैं तो आपको पैसे मिल जाते हैं which gets deposited into your trading account. Okay, so this is the basic principle and this whole procedure is being monitored and governed by SEBI, Security Exchange Board of India. So they are the regulators for this whole process. एक basic सवाल है कि account कौन से broker के पास open करे. तो जानते हैं market में क्या available है. Market में दो प्रकार के brokers available है, जिनको हम कहते हैं full service brokers और एक जो रहता है वो discount broker रहता है. Full service brokers क्या करते हैं, उनकी खासियत क्या है. तो जब भी आप किसी full service broker के पास account open करते हैं तो आपको एक relationship manager allot किया जाता है. So ये manager आपको regularly touch में रहेगा. You can place a trade. अगर आपको app से नहीं करना है तो आप call करके ये trade place कर सकते हैं. आप अपने रिलेशन मैनेजर को अगर पोजीशन मॉनिटरिंग करना है कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या टारगेट जा रहा है, ये जो हम बाद में बताएंगे, तो आप अपने ट्रेड का पोजीशन मॉनिटरिंग भी रिलेशनशिप मैनेजर को बोल सकते हैं करने के लिए. एंड बेसिकली योर गाइड टू स्टॉक ब्रोकिंग इज योर रिलेशनशिप मैनेजर. जब भी डिस्काउंट ब्रोकर आता है सो आपको ये सब चीज खुद करना पड़ता है. अगर आपको कुछ क्वेरी पूछनी है तो देर आर कस्टमर केयर अकाउंट्स. हर बार कोई नया आदमी फोन उठाएगा एंड दे विल रेज अ क्वेरी रिक्वेस्ट एंड यू विल गेट अ रिस्पॉन्स टू इट सेम एज योर नॉर्मल बैंकिंग अकाउंट. एंड यहाँ पे अगर आप फोन करके ट्रेड डालना चाहते हो तो दैट इज चार्जेबल. फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको रेगुलरली रिसर्च देते हैं, इंट्राडे पोजिशनल कॉल्स की जानकारी भी देते हैं. आप अगर किसी ट्रेड कॉल्स में ट्रेड शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं सो दे कैन हेल्प यू इन दैट एज वेल. डिस्काउंट ब्रोकर में सब कुछ रिसर्च पार्ट आपको खुद ही करना पड़ता है. जब ये सर्विसेज आपको फुल सर्विस ब्रोकर देते हैं तो डेफिनेटली उनको हायर ब्रोकरेज चार्ज करना पड़ेगा कंपेयर टू
डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब ये ब्रोकरेज होता क्या है, जब भी आप शेयर्स बाय और सेल करते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन या परसेंटेज ऑफ इट ब्रोकर्स आपके अकाउंट में से ले लेते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर्स के बाद पास अच्छी ट्रेडिंग मार्जिन मिलती है, जिससे आप हाईली लीवरेज प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में 10,000 है, तो कोई कोई फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको दिन में 2 लाख तक का शेयर्स उठाने में अलाउ कर सकता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास मार्जिन कम मिलती है, एंड इट डिपेंड्स अगेन ब्रोकर टू ब्रोकर। ऐप एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स दोनों के सेम रहते हैं। कौन से फुल सर्विस ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो एडिलवेस, मोतीलाल, शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, दीज आर ऑल गुड फुल सर्विस ब्रोकर्स, बहुत साल से मार्केट में है। एंड अपकमिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स आर अपस्टॉक, 5paisa, जेरोडा, ऑलरेडी दे आर इन द मार्केट फॉर पास्ट 4 to 5 years। सो दीज आर डिस्काउंट ब्रोकर्स। अकाउंट ओपनिंग के बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? आपको बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 months बैंक स्टेटमेंट एंड कैंसिल चेक लगेगा विथ नेम प्रिंटेड ऑन द चेक। अपार्ट फ्रॉम दैट देर विल बी फ्यू इंफॉर्मेशंस लाइक मदर नेम, सैलरी डिटेल्स, एड्रेस, ये सब पूछेंगे विच आर नॉमिनल, बट दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट्स विच विल बी रिक्वायर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो डोंट फॉरगेट टू ऐड अ नॉमिनी टू दैट अकाउंट, क्योंकि अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है और अगर नॉमिनी नहीं है तो शेयर को आपके लीगल नॉमिनी के पास ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही लंबी प्रोसीजर है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ऑलवेज ऐड अ नॉमिनी टू द अकाउंट। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, देर आर सम ब्रोकर्स दे चार्ज अकाउंट ओपनिंग फीस, इट डिपेंड्स फ्रॉम 0 to 500 rupees। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 500 to 1300 rupees, हर एक का अलग अलग रहता है। ये मेंटेनेंस चार्ज क्या है, तो आप जो अकाउंट किसी ब्रोकर के पास ओपन करते हैं तो आपको बेसिक ऐप और प्लेटफॉर्म देने के लिए वो आपसे छोटा सा ईयरली मेंटेनेंस चार्ज चार्ज करता है। एंड नाउ देर आर मेनी अपकमिंग ब्रोकर्स जो लाइफ टाइम एनुअल मेंटेनेंस का ऑप्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडिलविस में अकाउंट ओपन करोगे तो विथ 1800 rupees दे गिव यू लाइफ टाइम AMCs फ्री। दिस इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड प्रीमियम ब्रोकर्स। तो आपको ये चेक करना है वेदर दिस लाइफ टाइम AMC ऑप्शन इज अवेलेबल। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि बाद में आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं भरना पड़ता। ब्रोकरेज स्ट्रक्चर का आइडिया देना बहुत जरूरी है। जब भी आप शेयर्स डिलीवरी के लिए खरीदते हो, अभी डिलीवरी का मतलब क्या है, व्हेन द शेयर्स आर बॉट फॉर अ ड्यूरेशन मोर देन 1 day, तो होता क्या है, वो शेयर आपके डिपॉजिटरी में आ जाता है, डीमैट अकाउंट में आ जाता है, और जब भी आप बेचते हो तो वो डीमैट अकाउंट से निकल जाता है। जब भी आप इंट्राडे करते हो तो जो दिन में शेयर बाय करते हो उसी दिन बेच देते हो, तो डीमैट में नहीं आता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ इंट्राडे ट्रेड। तो डिलीवरी के लिए मार्केट में मैक्सिमम चार्जेस क्या चल रहे हैं, तो अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो 50 पैसे ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेते हैं, दैट इज ऑन द हायर साइड। और मिनिमम जो डिस्काउंट ब्रोकर्स चार्ज कर रहे हैं दैट इज ₹20। सेम फॉर इंट्राडे, अगर आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो 5 पैसे चार्ज रहेगा उनका ब्रोकरेज, एंड फॉर डिस्काउंट ब्रोकर्स इट इज ₹20 पर ट्रेड। सिमिलरली फॉर FNO, सम ऑफ देम दे चार्ज 5 पैसे पर ₹100 ऑन FNO, एंड मिनिमम इज ₹20। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अभी के लिए इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, दैट इज इन एडवांस कोर्स, बट आपको जस्ट ब्रोकरेज स्ट्रक्चर नोट करना है। ऑप्शंस में ₹60 और ₹100 ऑन द हायर साइड फॉर इंडेक्स एंड इक्विटी, और मिनिमम इज ₹20 पर लॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस, देर आर गवर्नमेंट टैक्सेस एंड एक्सचेंजेस।
एंड एक्सचेंज चार्जेस, देर इज अ एसटीटी विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस, एंड देर इज एक्सचेंज चार्जेस विच इज चार्ज बाय बीएससी और एनएससी. कौन से एक्सचेंजेस इंडिया में है? दीज आर द मेजर एक्सचेंजेस, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटीज के लिए एमसीएक्स है और करेंसी के लिए है एनसीडीएक्स. टाइमिंग क्या है उनका? बीएससी एनएससी 9 AM टू 3:30 PM इन द आफ्टरनून. यहाँ पे प्री ओपनिंग सेक्शन होता है, उसका टाइमिंग है 9 से 9:15 बजे तक, और ये इसमें आप 9 से 7 बजे तक ही ऑर्डर डाल सकते हो, बाद में ऑर्डर मैचिंग होता है. सो एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट्स आफ्टर 9:15, और एफएनओ में जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस है उसमें ट्रेडिंग भी 9:15 के बाद चालू हो जाता है. कमोडिटीज का टाइमिंग है 9 to 11:55 PM. ये जो डे के हिसाब से कभी 11:55 होता है तो कभी 12:30 होता है, और ये टाइमिंग आपको आपका ब्रोकर इन्फॉर्म करता है थ्रू मेल. करेंसी में टाइमिंग क्या है? 9 AM to 5 PM. अभी देखते हैं ट्रेड सेटलमेंट क्या होता है. जब भी आप शेयर बाय करते हो तो T+2 days, यानी कि ट्रेड जिस दिन आपने किया है उसके 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में जो शेयर्स बाय किया है वो आ जाते हैं, और आप देख सकते हो इन योर डीमैट अकाउंट. और पैसे भी अगर आपने पे नहीं किए हैं तो आपको सेटलमेंट के लिए टाइम दिया जाता है. सो बेसिकली अगर आपने टी प्लस ट्रेड प्लस 5 दिन के अंदर सेटलमेंट नहीं किया तो एक्सचेंज का रूल है कि ऑटोमेटिकली आपके शेयर सेल आउट हो जाएंगे एंड हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. सो बेसिकली ट्राई टू कीप अ गुड प्रैक्टिस. अननेसेसरीली डिलीवरी के जो ट्रेड्स है वो लीवरेज में मत लीजिए इनिशियली. अगर आपके पास जितने अकाउंट में कैश पड़ा है उतने के ही आप शेयर्स ले लीजिए, और ये जो एक्चुअल आपके डीमैट में कब दिखेंगे तो ट्रेड प्लस 2 दिन के बाद. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए डेली सेटलमेंट होता है, आपको फिजिकली कुछ डीमैट में आता नहीं है, बट जितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो दिन में ही कैलकुलेट करते हैं. उसको कहते हैं मार्क टू मार्केट प्राइस प्रॉफिट और लॉस, एंड आपको मैक्सिमम जो भी लॉस है और आपको पे करना है वो नेक्स्ट दिन तक ही करना है. या मार्जिन क्या अवेलेबल है? यहाँ पे अलग अलग मार्जिन अवेलेबल रहती है. अगर आप डिलीवरी में मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ये फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं और आपके पास 1 lakh rupees है तो आप 4 lakhs के स्टॉक्स बाय कर सकते हो. ये प्रोडक्ट आपका प्रीमियम ब्रोकर दे सकता है विच इज कॉल्ड MTF प्रोडक्ट. यू हैव टू रिक्वेस्ट देम. मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस होगा, दैट जो मार्जिन है उसको आपको अगले दिन पे करना है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 lakh है, आपने 4 lakh के शेयर्स ले लिए, और समझो ये 4 lakh के शेयर्स पे आपको एक दिन में 20,000 का लॉस हो गया, तो आपको अगले दिन अपार्ट फ्रॉम 1 lakh 20,000 rupees एक्स्ट्रा पे करने हैं, आपके अकाउंट में आपको डालने हैं. अभी जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए MIS प्रोडक्ट रहता है, उसको कहते हैं मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ. अभी इसमें इसकी खासियत क्या है कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आपको 20 times of it ओके मार्जिन मिल सकती है. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट ब्रोकर्स, कोई 30x देता है, कोई 60x भी देता है, बट ये जो पोजीशन है वो उसी दिन स्क्वायर ऑफ हो जाती है. टाइमिंग्स क्या है? 9 to 3:20 PM तक अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है. तो MIS का बेनिफिट लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू हाईली लीवरेज द ट्रेड. अगर आपके पास 1 rupee है तो आप 20 rupees के शेयर्स खरीद सकते हो और उसी दिन आपको बेचना भी वही दिन पे है.
फ्यूचर्स लोग क्यों लेते हैं? तो बेसिकली इट इज अगेन अ लीवरेज प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपको 10 लाख का ट्रेड करना है या 10 लाख की क्वांटिटीज के शेयर्स उठाने हैं, तो वही अगर आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो आपको, अगर इंडेक्स फ्यूचर रहेगा तो हार्डली 90 to 10 1 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। अगर इक्विटी फ्यूचर्स रहेगा तो टू बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10 लाख्स आपको जस्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख to 1 लाख 40,000 रहना पड़ेगा। कमोडिटीज और करेंसीज क्यों यूज करते हैं लोग? क्योंकि मार्जिन और भी कम लगती है। सेम थिंग फॉर 10 लाख ऑफ वैल्यू, आपको सिर्फ 70,000 रुपीज आपके अकाउंट में रखने हैं, बट प्रॉफिट या लॉस दैट विल बी इक्वेलेंट टू 10 लाख। करेंसी और भी कम लगता है, ओनली 3% ऑफ द मार्जिन। एंड दीज आर ऑल कैरी मार्जिन, यानी कि अगर आपको नेक्स्ट दिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करने हैं, अगर आपको इंट्राडे में ही पोजीशन स्क्वायर करना है तो आपका ब्रोकर इससे भी कम मार्जिन में आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करने